तो जैसे सपोज कीजिए हमें कंप्यूट करना है लॉग एट यानी लॉग एट की वैल्यू कंप्यूट करनी है अंडर द बेस टेन तो इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट नाइन जीरो थ्री वन ठीक है तो ये जो लॉक की वैल्यू है इसमें हम देखेंगे कि वट इज़ करेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा तो देखिए करेक्टरिस्टिक होता है जो इसका जो इंटीग्रल पार्ट यानी डेसीमेल से पहले का जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो कितने हैं तो ये होगा इसका करैक्टरिस्टिक नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट्स और ये जो वैल्यू होगी ये क्या लाएगा इसका मैंटेसा ओके सो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगराथमिक ऑफ अ नंबर यानी किसी नंबर के जो लॉग है उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या लाएगा इसका लॉगराथमिक करेक्टरिस्टिक तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था लॉग एट बेस टेन तो इसकी जो वैल्यू है यह है जीरो पॉइंट नाइन जीरो थ्री वन तो इसके करेक्ट्रिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ठीक तो देखिए इसके लिए यहाँ पे दो केस कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस वेन द जो नंबर है हमारा जिसे सब डिनोट कर देते हैं एन से अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है तो इस केस में जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स उस नंबर में होंगी एन में उससे एक कम इसका करेक्ट्रिक होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एन है हमारा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ठीक तो इसकी जो की वैल्यू होगी टू क्योंकि एक लेस देन जीरो होगा तो कम होगा ठीक इसी तरीके से अगर सेकंड केस वेन एक्स स्ट्रिक्ट लेस वन क्योंकि एन इक्वल टू वन के लिए हो जाएगी सो जब एन की वैल्यू वन से छोटी होगी दैट मीन्स एन इक्वल टू होगा अप्रोक्सीमेटली लाइट जीरो पॉइंट एट टू ठीक है तो देखिए इस केस में करेक्टरिस्टिक की वैल्यू एक नंबर ज्यादा होगी बिटवीन द जीरोज ऑफ द डेसिमल एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि डेसिमल और डेसिमल के बाद यानी कि राइट right साइड में जो ये डिजिट है उनके बीच में जितनी जीरोज हैं उनको काउंट करना होगा उसके लिए तो देखिए इस नंबर में जीरो पॉइंट एट टू में जो नंबर नंबर ऑफ हैं वो जीरो है तो इसके इसके लिए जो करेक्टरिस्टिक होंगी वो हो जाएगा वन लेकिन ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि लॉक की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इसको माइनस वन लेकिन हम करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में नहीं डिनोट कर सकते तो इसलिए नेगेटिव नंबर के लिए एक स्पेशल नोटेशन है इसको यहाँ डिनोट करेंगे वन बार से ठीक इसी तरीके से सपोज कीजिए नंबर है हमारे पास कोई जीरो पॉइंट डबल ट्रिपल जीरो फोर टू तो इसका हमें करेक्टिस्टिक फाइंड करना तो देखिए इसका करेक्टिस्टिक क्या होगा तो यहाँ पे देखिए थ्री डिजिट है तो थ्री प्लस वन दैट इज़ फोर तो ये हो जाएगा माइनस फोर इसका करेक्टिस्टिक और इसको डिनोट करेंगे फोर बार से ठीक और है और नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैंटिसा डेसीमल पार्ट ऑफ लोग्राथमिक इज मटिसा ओके और इसकी वैल्यू हम कंप्यूट करनी होती है लॉक टेबल से इसमें डायरेक्टली हम कंप्यूट नहीं कर सकते ओके तो देखिए क्वेश्चन है इसमें हमें ये नंबर्स किए हैं इनका हमें करेक्टरिस्टिक कंप्यूट करना है तो देखिए फर्स्ट नंबर है थ्री हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट टू फाइव तो अब ये नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है तो ये फर्स्ट केस में देखेंगे तो फर्स्ट केस के लिए कैसे कंप्यूट करते हैं तो इसमें हमें देखना है कि डेसिमल से पहले लेफ्ट में कितनी डिजिट्स हैं तो ये है वन टू थ्री डिजिट तो इसका करेक्ट्रिस्टिक हो जाएगा थ्री माइनस वन दैट इज टू ठीक ये फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव एट थ्री तो ये भी ग्रेटर देन वन है तो इसका करेक्ट्रिस्टिक हो जाएगा टू माइनस वन दट इज वन यहां पे वन डिजिट है तो वन माइनस वन डैट इज जीरो ठीक है अब ये नंबर्स हैं लेस देन जीरो सॉरी लेस देन वन है तो डेसीमल के बाद हमें देखना है कितने नंबर ऑफ जीरो हैं बिटवीन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फ्लिस तो इसमें एक भी जीरो नहीं है ठीक तो इसके लिए जो करेक्स्टिक होगा वो होगा जीरो प्लस वन दैट इज माइनस वन क्योंकि नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी माइनस में लॉग में और इसको हम डिनोट करेंगे वन बार से इसी तरीके से यहाँ पे एक जीरो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू बार यहाँ पे दो जीरो हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी थ्री बार तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है मैंटिसा हमें कंप्यूट करना होता है यूजिंग लॉक टेबल ओके क्वेश्चन इज इफ द ऑफ अ नंबर इज माइनस थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री देन वाट आर द करेक्टरिस्टिक एन देंटिसा ओके तो हमें देखिए ऑलरेडी किसी एक नंबर का लॉगरथ गिवन है दैट इज माइनस थ्री पॉइंट वन फाइव थ्री तो इसका हमें करेक्टरिस्टिक और मेटिसा फाइंड आउट करना है तो देखिए इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस थ्री माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव थ्री ठीक तो इस इंटीग्रल पार्ट इसका माइनस थ्री यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक माइनस थ्री है तो जो रिमेनिंग बचा यानी ये क्वाटिटी है इसका मैंटेस हो जाएगा लेकिन हम जानते हैं मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे इसमें हम वन को ऐड करते हैं और वन को सबट्रैक्ट करते हैं ठीक सो so, ये माइनस थ्री और माइनस फोर एंड इस वन को अगर इसमें हम ऐड कर देंगे में तो ये हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ ओके तो अब हम कह सकते हैं कि दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक एंड जीरो पॉइंट एट फोर सेवन इज देंटेसा ओके okay? बिकॉज मैंटेसा अब यहाँ पे पॉजिटिव है सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ पर